हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का मेरा व्लॉग इस बारे में है, आपको पता चल ही गया होगा, लोनावला में जो 5 लोगों की इस झरने में बहकर मौत हुई उस चीज़ को लेकर है। काफ़ी सारे मैंने इसके वीडियोस देखे, कमेंट भी पढ़े, तो काफ़ी लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, साड़ी पहने होते तो वो लोग बच जाते, ये होता तो ऐसा होता, ये होता वैसा। तो बस जैसा कि आपको पता ही है, मेरा ब्लॉग का चैनल है तो मैं अपना ब्लॉगिंग का ही काम करती हूँ, मेरा कोई ऐसा खास पर्पज़ नहीं है ये आपको बता कुछ भी मतलब इस वीडियो को लेकर बताने का। ये भी जो भी हादसा हुआ है, बस कुछ लोगों की सोच है कि अपने अपने एडवाइस दे रहे हैं, जिनको जाना था, जिनके ऊपर बीती, तो उनका तो साथ आप दे नहीं सकते हो। एडवाइस ये दे रहे हो कि साड़ी पहने होते और तो बचा लेते, तो क्या सब लोगों को सूट पहन छोड़कर साड़ी पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए? मतलब क्या सोच कर ये बोल दिया, साड़ी पहने होते तो बच जाते क्या? तो मतलब एक तरीके से कहने का यही मतलब हुआ कि अब लोग को साड़ी पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान फंसता है तो वो बच जाएगा। कपड़े की बात कहाँ से आ गई, पता नहीं लोग कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। उनके ऊपर जो बीती, जो दुखों का पहाड़ उन पर गिरा, उसका जो खामियाजा है वो हम नहीं बता सकते हैं ना। उनके परिवार वाले ही सोच रहे होंगे और उन्हीं को ही उन पर ही बीत रही होगी कि वो किस तरह से रह रहे होंगे, क्या एक पल भर में एक जरा सी गलती के पीछे पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक साथ 5 लोगों की मौतें मायने रखती हैं फ्रेंड्स, लेकिन लोगों का क्या है, अपने फ़ायदे के लिए कि उनके व्यूज़ आए अच्छे, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जिसके ऊपर दुख होता है ना, वो केवल वही समझता है, उसकी फैमिली समझ सकती है। बाकी हम और आप लोग उस चीज़ के बारे में बहस करते हैं, एडवाइस दे देते हैं, तो उससे किसी का दुख हल्का नहीं हो जाता है। तो प्लीज़ जो होना तो हो गया, और उसमें भी आप निगेटिविटी मत लाइए। मुझे मतलब ये ब्लॉग जब मैंने देखा था एक लोगों का, मैं नाम भूल गई हूँ, उसके बाद मैंने इसको सर्च किया और फिर वीडियोस तो काफ़ी सारी आ गई थी। मुझे ऐसा शौक सा लगा था कि इतना मतलब कि झरना इतना तेज़ था, ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे। फिर मैंने डिटेल निकाली कि कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इस झरने में इससे पहले कभी इतना तेज़ बहाव, तो फिर उस दिन कैसे इतनी तेज़ बहाव हो गया। और वहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब ये वहाँ पर जा रहे थे पिक्चर लेने के लिए, तो इनको मना भी किया गया था कि आप वहाँ मत जाओ और पानी कभी भी तेज़ हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने खुद बोला कि इतना तेज़ बहाव कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ, ना कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा। काफ़ी एजेड इंसान थे वो, तो शायद इनकी मौत इसी में ही लिखी थी फ्रेंड्स। देखते ही देखते पूरा परिवार, बच्चे छोटे छोटे, कैसे बस इस बहाव के साथ बहते हुए चले गए, लोग तमाशा देखते रह गए और काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई नहीं बचा पाया। तो बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नवाजे, उनके सारे गुनाह को माफ़ करे। तो फ्रेंड्स, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अभी हाँ, मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अभी आपको मैं रेसिपी बता देती हूँ शाही पनीर की। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी, और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च, क्योंकि पनीर के साथ मिर्च ना हो। रेस्टोरेंट वाला मैं शाही पनीर एकदम बनाने वाली हूँ, आपको ढाबे जैसा, आपको टेस्ट जैसे ढाबे जाते हो तो वो टेस्ट चाहिए, आपको रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो सोचते हो कि वैसा टेस्ट मैं घर पर लाऊं बनाकर, सेम वैसे ही बनने वाला है फ्रेंड्स। तो रेसिपी बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आपको एक एक रेसिपी देखनी है। तो मैंने सिंपली पहले कुछ नहीं किया था, अभी फास्ट फास्ट बता देती हूँ क्योंकि वीडियो मेरी आगे निकल गई है, मेरी वॉइस जो है पीछे रह गई है। तो मैंने सादी मिर्चियाँ पहले तल ली थी, फ्राइड मिर्ची बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसके ऊपर से फिर मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ देखिए मैंने डाला था कढ़ाई पे दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा तेज पत्ते का, और दालचीनी का भी छोटा सा ही टुकड़ा था, और थोड़ी सी चापी हुई प्याज। और उसके बाद मैंने यहाँ अदरक, इसमें डलती नहीं है, थोड़ा सा लहसुन, एक गांठी लहसुन था,
और प्याज बहुत ज़्यादा इसमें हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसी से ही हमारी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो 4 से 5 गांठ प्याज की थी वो मैंने ग्राइंड कर ली थी मिक्सर पे, और फिर इसमें प्याज ब्राउन हो गई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी ग्राइंड की हुई। अब मैं इसे थोड़ी देर भून लेती हूँ। और एक चीज़ मैंने फ्रेंड इसमें बताया नहीं है, सबसे पहले मैंने कलौंजी डाली थी तो कलौंजी से ही मैंने मसाले को इसमें बघार लगाई थी। तो आपको कलौंजी ज़रूर डालनी है, उसी की महक होती है, उसी का खेल होता है सारा। और यहाँ देखिए मैंने टोमेटोज, घिसी हुई गाजर कसी हुई, और यहाँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और यहाँ खड़े मिर्च, ये देखिए इतना मैंने मटेरियल इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी, तेल एकदम अलग हो जाए, काफ़ी देर तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। आपको बिल्कुल भी इसको ऐसे तेज जैसे हाई फ्लेम पे कर दिया या लो फ्लेम पे कर दिया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भी मैं करूँगी। जब थोड़ा सा इसका पानी जो है सूख जाएगा फिर उसके बाद लो फ्लेम में करके मैंने इसे छोड़ दिया था, ढक दिया था ताकि जो गाजर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा जो मसाला है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी मलाई ऐड की हुई है, घर की मलाई है, मार्केट वाली नहीं है जो बनी बनाई आती है। घर में से मैंने जो दूध था बस उसी से निकाल कर ये मैंने इसमें एक कटोरी से थोड़ी सी कम थी मलाई इसमें ऐड कर दी है। तो फ्रेंड शाही पनीर है हमारा तो मटेरियल तो लगता ही है, और मलाई ऐड करने के बाद उसको अच्छे से भून लिया था। यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब नेक्स्ट कौन सा इंग्रीडियंट इसमें हम ऐड करेंगे, तो अभी काफ़ी सारा मटेरियल अभी और बाकी है इसमें ऐड करने के लिए। तो यहाँ मैंने पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी को पतला कर लूँगी, मसाला भुन चुका है, अब ग्रेवी बिल्कुल बस हमारी बनने ही वाली है। सबसे ज़्यादा बस टाइम हमारा मसाला भुनने में लगता है, उसके बाद फटाफट से हमारा पनीर बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी बन गया। तो यहाँ मैंने पानी डाल के थोड़ी देर ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ देखिए इसमें उबाल आ चुकी है, फिर थोड़ी देर इसे धीमी आँच पर पकाया था, और इसमें अब हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मखाने, काजू, पनीर कट करके पहले ही रख लिया था, तो यहाँ मैंने इसमें सबसे पहले काजू ऐड कर दिया है, ये मखाने ऐड कर दिए हैं। और नेक्स्ट इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, तो अभी मावा यानी कि खोया बाकी है, तो कुछ लोग इसे मावा कुछ लोग खोया बोलते हैं। तो देख तो सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़े से मखाने सॉफ्ट हो जाए, काजू तो वैसे भी सॉफ्ट ही रहते हैं। यहाँ देखिए तेल यहाँ हमारा अलग हो चुका है, ग्रेवी अभी हमारी काफ़ी आपको पतली लग रही होगी लेकिन जब इसमें हम पनीर और मावा ऐड करेंगे तो ये अपने अच्छे से टेक्सचर पे आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने कटा हुआ पनीर इसमें छोड़ दिया है, अब इसे थोड़ी देर मैं पकने के लिए रख दूँगी। खोया हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे वरना इसे घुल जाता है, उसी में पूरा मेल्ट हो जाता है, थोड़े थोड़े से उसके छोटे छोटे से टुकड़े रहते हैं ना तो खाने में और ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत सोना सोना सा लगता है। तो इसलिए हम मावा थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, इसको थोड़ी देर पकने के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए मैंने ढक्कन ढककर थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया था लो फ्लेम में। यहाँ इसको मैं अच्छे से चला देती हूँ और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी ये मावा, ताज़ा ताज़ा सा हमारा खोया था, मेरे यहाँ तो खोया ही बोला जाता है, मावा हम कम बोलते हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि कुछ लोग इसे मावा भी बोलते हैं। ये देखिए सारा का सारा 250 ग्राम के करीब था और मैंने इसे पूरा इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए शाही पनीर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक ज़रूरी चीज़ बाकी है, तो वो क्या है, तो आप बताएँगे या फिर मैं ही बताऊँ। तो लास्ट इसमें मैंने डाली है फ्रेंड्स कसूरी मेथी, इससे इसकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है, तो कसूरी मेथी आपको ज़रूर ऐड करनी है। और ये फ्रेंड्स भी मैंने रेसिपी बताई है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल बिल्कुल पनीर का टेस्ट नहीं आता है तो मैं अपना चैनल बंद करने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे से एक भी वीडियोज़ नहीं डालूँगी। मैं भी पहले नहीं बना पाती थी लेकिन जैसे ही मुझे ये रेसिपी पता चली और मैंने बनाया, इतना टेस्टी फ्रेंड्स बना था तो बस ऐसा ही लगता जैसे रेस्टोरेंट से ही हमने ये डिश मंगा कर रखी हो। कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो ये पनीर ज़रूर ट्राई करवाती हूँ। तो यहाँ देखिए शाही पनीर हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल।